दोस्तों आज के इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 पेज की सेटिंग करना बताया है। जैसे हम कोई सा मेटा टाइप करते हैं या कोई सी लिस्ट एमएस एक्सेल के अंदर तैयार कर लेते हैं, तो उसमें हम पेज की सेटिंग किस तरह से करते हैं, जैसे लेफ्ट से कितना छोड़ना उस पेज को, राइट से कितना छोड़ना, टॉप से कितना छोड़ना, बॉटम से कितना छोड़ना, तो इसमें मैंने डिटेल्स में बताया कि हम उस पेज की सेटिंग किस तरह से करेंगे और उसका प्रिंटआउट प्रिंटर द्वारा कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा, इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का जो वर्जन दिया हुआ है उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि हम किस तरह से पेज को सेट करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 ये ओपन हो रहा है। ये देखिए ओपन हो चुका। इसमें हमने हमारी जो भी फाइल बनाई है उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये ओपन हो सकता है। ये देखिए हमने एक ड्राइव में एक फाइल बनाई हुई है, ये ड्राइव ये बुक वन के नाम से, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो रही है। अब ये इस तरह से बनी हुई है। अब इसके पेज की हम सेटिंग किस तरह से करेंगे ये देखिएगा। ये ऊपर ये जो आइकॉन दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करें माउस पॉइंटर द्वारा और ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके और यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा इस तरह से ये आ गया है। जो हमने फाइल को ओपन किया था उसको प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन से करा हुआ है इस तरह से, तो ये उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहे हैं। इसी के द्वारा पेज की सेटिंग कर लेंगे। जैसे ये शो मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए उसकी मार्जिन शो होने लगी। अब हमारे माउस पॉइंटर का लेफ्ट पॉइंट दबा के और देखिए जैसे लेफ्ट से इतना छोटा हुआ है, ये देखिए राइट से हमें कितना छोड़ना है, ये जो लाइन दिख रही है रिप्लेस लाइन, उसको हमारे लेफ्ट वाला माउस का पॉइंटर दबा के रखेंगे हम और इस तरह से उसको ड्रैग करके आगे पीछे सरका सकते हैं। तो है ना दोस्तों कितना आसान माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेज की सेटिंग करना। ये देखिए ये जैसे मान लो हमें लेफ्ट से इतना छोड़ना है तो इसको इतना छोड़ देंगे, अलग ही दिखाई दे रहा है एरिया। राइट से हमें कितना छोड़ना है या फिर हमारा जो बना हुआ मीटर है वो नहीं आ रहा है तो इसको और इधर थोड़ा सरका दो राइट में, ये लाइन ये देखिए। अब ये ऊपर टॉप बॉटम ये देखिए टॉप ऊपर कितना छोड़ दो और ये बॉटम नीचे कितना छोड़ दो। इस तरह से हम उस पेज की हमारी सेटिंग बहुत ही आसानी से हो जाएगी दोस्तों। अब ये एक ऑप्शन इसमें देखिए पेज सेटअप पर, पेज सेटअप में मतलब ये पहला ये जो दिख रहा है पोर्ट्रेट यानी हमारा पेज इसके द्वारा हम खड़े में कर देंगे। देखिए इस पे क्लिक करके नीचे ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा पूरा का पूरा पेज खड़े में हो गया। फिर उसी पेज सेटअप पे जाके और ये लैंडस्केप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे किया हमने ओके कर दिया तो ये हमारा पेज आड़े में हो गया। अब ये पेज सेटअप में एक ऑप्शन और देखिएगा दोस्तों, ये नीचे जो दिख रहा है पेपर साइज मतलब जैसे हम प्रिंटर में A4 का पेपर लेते हैं, A4 का कागज, तो यहाँ से हम A4 सिलेक्टेड कर देंगे। प्रिंट क्वालिटी यानी ये 600 dpi चला हुआ है तो यहाँ से हम प्रिंट क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी dpi में भी हमारा प्रिंट हमको निकालना है। इसके बाद में ये मार्जिन वाला ऑप्शन है जो मैंने बताया था, ये इसके द्वारा आप माउस पॉइंटर से सिलेक्ट करके मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हो। मैंने जो प्रीव्यू में ये एक अलग तरीका बताया हुआ है, तो सबसे सरल और बेहतर तरीका दोस्तों आपको यही वाला पड़ेगा जो मैंने बताया है आपको। ये इस तरह से इसको माउस पॉइंटर के द्वारा हम एरिया हमारी सुविधा के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद में जैसे मान लो क्लोज प्रीव्यू पे क्लिक करके, अब जैसे मान लो हमें इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी एरिया का प्रिंट निकालना है सिलेक्ट करके और हमारे कीबोर्ड से
कंट्रोल पी, ये देखिए कंट्रोल पी की प्रेसेस करेंगे और ये ऑल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक नहीं करेंगे, इसमें हम करेंगे सिलेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक। ये जो सिलेक्शन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ से हम हमारा प्रिंटर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी प्रिंटर हमारे कंप्यूटर में जुड़ा हुआ है, जैसे ये इसमें एचपी लेजर ग्रेड 10-20 जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ से ओके कर देंगे दोस्तों, इस ऑप्शन जो ओके वाले ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये किया तो वो अपना प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैंने ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में पेज की सेटिंग करना बताया, आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना जी, और इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।